नगरी अयोध्या में 8 अप्रैल को होने वाली 84 कोसी परिक्रमा पर विश्व हिंदू परिषद ने रोक लगा दी है। दरअसल ये परिक्रमा बस्ती जनपद के परशुरामपुर स्थित मखौड़ा धाम से शुरू होकर 5 जिले गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और बाराबांकी होते हुए निकलनी थी, जिस पर कोरोना वायरस की वजह से रोक लगा दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि देश इस समय व्यापक महामारी से संकटग्रस्त है। ऐसे में हर राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है कि वह समाज एवं सरकार के साथ खड़ा होकर देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बने। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग नियम का पालन करें। आपको बता दें कि 8 अप्रैल से हनुमान मंडल के बैनर तले ये परिक्रमा कराई जाती थी, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और मंत्री चंपत राय की राय से स्थगित की गई है। इस समय संपूर्ण विश्व जो है कोरोना जैसे महामारी से पीड़ित है। यह देश जो है 14 अप्रैल तक लॉकडाउन में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का समाज पालन कर रहा है। ऐसे में जब समाज सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हमारी परंपराएं, हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर, ये सब जो है सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे में 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अयोध्या के चारों तरफ जो होने वाली थी 84 कोसी परिक्रमा, उसको स्थगित कर दिया गया है। और यह परिक्रमा हनुमान मंडल के बैनर तले प्रतिवर्ष की जाती रही है। सैकड़ों की संख्या में बाहर दूर दराज से जो है साधु संत इसमें सम्मिलित होते रहे हैं, आम नागरिक सम्मिलित होता रहा है। तो इस प्रकार से इस परिक्रमा को स्थगित कर दिया गया है। जो यात्रा के प्रभारी हैं सुरेंद्र सिंह, उनसे निवेदन किया गया है कि संपूर्ण देश इस महामारी से पीड़ित है, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम समाज के साथ खड़े हों और हनुमान मंडल के बैनर तले चलने वाली इस परिक्रमा को स्थगित कर दिया जाए।